हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 रिम जिम। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वो है राख की रस्सी। सो फ्रेंड्स, जो राख की रस्सी का चैप्टर है आज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें जो पहले हम उसका पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसके बाद में आपको समझा दे दूंगा। तो पहला चैप्टर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राख की रस्सी। लोनको गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। यानी यहाँ पे लोनको गार तिब्बत, एक लोनको गार तिब्बत है प्लेस, उसके 32वें राजा यानी 32 किंग, जो 32वें राजा था उनके मंत्री है, उनका नाम है सोनगवसेन गांपो। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मंत्री है वो कैसे है, मंत्री है वो जो लोनपोगार है, राजा है तिब्बत के और 32वें राजा है, उसका जो मंत्री है उसका नाम है सोनगवसेन है। लेकिन वो राजा कैसे थे, राजा थे वो कैसे, चालाक थे और हाजिर जवाबी थे, मशहूर थे, लेकिन उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उसका जो बेटा था वो कैसा था, भोला था, बहुत भोला भाला था। इसलिए उसे वो चिंता थी कि अभी मैं और मेरे बाद का जो राजा है वो मेरा बेटा ही बनेगा, तो ये कैसे चलेगा, वो होशियार नहीं बनेगा तो वो राज्य कैसे संभाल पाएगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जो के बौरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो एक दिन लोनपोगार ने क्या किया, अपने बेटे को कहा कि देखो ये 100 भेड़े मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ आपको क्या करना है, आपको सिटी में उसे ले जाना है, शहर में ले जाना है, और उसको बेचना या मारना नहीं है, और क्या करना है, उस पर जौ की बोरी लाद कर आनी है, यानी लेकर आनी है जौ की बोरी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको घर में नहीं घुसने दूंगा, ऐसा लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा। अभी लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। अभी देखिए, लोनपोगार ने तो ऐसा कह दिया कि चलिए बेटा ये आप जाइए भेड़े लेकर और जौ की बोरियां लेकर आए, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे, अभी वो क्या करेगा। तो देखते हैं यहाँ से, वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। सो फ्रेंड्स, लोनपोगार ने भी अपने बेटे को सिटी में भेज दिया, लेकिन बेचारे के पास क्या थे, पैसे नहीं थे, यानी रुपये नहीं थे, तो अभी वो जौ की बोरे कैसे खरीदता। तो वो सड़क के किनारे बैठ गया। तो बेटे ही सोच रहा था कि क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो एक लड़की आई और उसे कहा कि आप क्या कीजिए, अपनी भेड़ों में से क्या करेंगे, आप भेड़ है उसका बाल निकाल दीजिए, यानी यहाँ पे
बाल उतार दीजिए और बाजार में बेच दीजिए। सो लड़की ने ऐसा किया और उसके बाद उन्होंने 100 बोरे है वो जौ के खरीद लिए और वापस घर भेज दिया। लोन पोकार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश हो गए, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब तुम्हारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अभी देखो लोन पोकार का बेटा था वो ऐसे 100 जौ के बारे लेकर आए, लेकिन क्या हुआ, उसे ऐसा लगता था उसके पापा है बहुत खुश हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके लोन पोकार है वो दूसरे कमरे में चले गए और दूसरे दिन कहा कि ये तुमने बहुत गलत किया, जो बाल है उसे उतार कर तुम ये जौ के बोरे लेकर आए हो, अभी दूसरे दिन जाओ और फिर से 100 जौ के बोरे लेकर आओ, यहाँ पर 100 बोरे फिर से लेकर आओ, तभी वो देखते क्या होता है। एक बार फिर निराश लोन पोकार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और कुछ भी हो ऐसा ही वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल को सुनाई, अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सिंग काट लिए, इन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोन पोकार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। देखिए अभी दूसरे दिन लोन पोकार का बेटा था और राजा का बेटा लोन पोकार का बेटा था वो कहाँ बैठ गया, फिर शहर में गया और वहाँ जाकर वहीं उस सड़क पे ही बैठ गया, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जरूर आएगी और उसकी मदद करेगी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा ही हुआ जो वो सोचता था, लड़की फिर से आई और उसने सब बात बताई कि हमने जो बाल बेचकर बोरे लेकर मैं गया था तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपको बाल नहीं बेचने हैं, इसलिए अब क्या करेंगे। तो उस लड़की ने सोचकर कहा कि जो भेड़ है उसके सिंग बेच दो, उसके जो सिंग है वो आप बेच दो, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आप 100 जौ की बोरी ले लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, और वो बोरी लेकर लोन पोकार के बेटे को उस लड़की ने क्या किया, घर पे भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन पोकार का बेटा खुश था। अभी वो खुश था, उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन पोकार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोन पोकार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो अभी क्या है कि जो लोन पोकार का बेटा था वो भेड़े लेकर घर पे आया और बहुत खुश था कि उन्होंने भेड़ बेच दी। उसके पापा को बात की लोन पोकार को कि पापा मेरे ये सब काम एक लड़की है उसने कर दिया है। तो अभी लोन पोकार है उन्होंने कहा कि उस लड़की से जाकर तुम बात करो कि अगर तुम राख की रस्सी बना दोगी, वो भी कैसी, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी तुम बना सकती हो। तो उसी वो लड़का उस लड़की के पास गया, लोन पोकार का लड़का लड़की के पास गया और उसने उसे कहा कि आप मेरे पिताजी से कह रहे हैं कि आप राख की रस्सी बना सकती है। तो लड़की ने कहा, जी मैं बना सकती हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि अगर मैंने राख की रस्सी बनाई तो आपके पिताजी को वो गले में पहननी होगी। और जो लोन पोकार है उसे वो शर्त मंजूर कर ली, क्योंकि उसे पता था कि राख की रस्सी बन ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, राख यानी कि क्या होता है, जो लकड़ी वो सब जलाते हैं उसके बाद जो उसका जो मटेरियल जो मिलता है उसे राख बोलते हैं। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सील पर रखा और जला दिया।
रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसी वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी तरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखिए फ्रेंड्स, तो लड़की ने अभी क्या किया, एक रस्सी ली, नौ हाथ रस्सी लंबी ली और उस रस्सी को उसने क्या किया, पत्थर के सील पर रख दिया और जला दिया। यानी पहले उसको ऐसे पत्थर के ऊपर रख दिया और फिर जला दिया, तो रस्सी तो जल गई लेकिन उसके आकार की राख वहाँ बच गई कि वो हार जैसा दिखे। और उसके बाद वो लोनपोगार के पास गई और कहा कि ले लीजिए रस्सी, तो आप उसे पहन लीजिए। तो लोनपोगार को पता चल गया कि ये रस्सी का आकार है लेकिन उसे हम अगर छुएंगे तो वो क्या होगी, टूट जाएगी, तो हम उसे पहन नहीं सकते। तो लड़की की जो समझदारी है, यानी कि बहुत होशियार थी लड़की की, इसलिए लोनपोगार ने क्या किया, अपने बेटे की शादी है वो इस लड़की के साथ कर दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चालाकी और होशियारी की बात इस चैप्टर में की है कि आप हाजिर जवाबी है और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी समस्या है उसका हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? सो वो इन बातों के बारे में परेशान होते रहते थे कि अभी मेरे जाने के बाद वो उसको मेरा ही स्थान लेना है, मंत्री का स्थान लेना है, तो वो ऐसा भोला रहेगा तो कैसे चलेगा। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती? अगर मैं तिब्बत का मंत्री होता तो मैं ऐसा ही कुछ उपाय करता कि उसे कोई होशियार जो कोई है, लड़का या लड़की, उसके साथ उसे रखता है या फिर उसे दोस्त बनाकर कहता कि आप उसको कुछ सिखाइए। शहर की तरफ हमें जाना है। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेड़ों पर 100 बोरी अनाज, 100 जौ की बोरी लेने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में क्यों भेजा था? क्योंकि वो भेड़ों पर बोरी लाद कर ले आए, जौ की बोरी। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आम पड़ोसी में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पूछना है कि अगर आप सिटी में रहते हो तो कोई भी इंसान है वो पहले कहाँ रहता होता? गाँव में ही रहता होगा। तो आपके घर में आपको मम्मी पापा का आपको पूछना है कि हम पहले कहाँ रहते थे, हमारे दादा कहाँ रहते थे, और दूसरे जो मोहल्ले में आज पास में कोई आपके पड़ोस में हो तो उनसे भी आपको पूछना है। अगर कोई बाहर से आया है तो उनको भी उससे आपको पूछना है कि आप कहाँ से आए हो, आप वहाँ का स्थान आपने क्यों छोड़ा, ये सब। आगे, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करते कुछ और अनाजों के नाम बता करो। तो गेहूँ है, जौ है, यहाँ पे दो नाम हमने दिए हैं। अभी आपको और नाम लिखने हैं, तो बाजरी है, आप यहाँ पे बाजरी लिख सकते हैं, ठीक है, बाजरी के भी, मक्का है, तो ये सब हमारे धान है, अनाज है। गेहूँ और जो अनाज होते हैं और इन तीन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दोनों को व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने संज्ञा के बारे में भी बताया गया है कि संज्ञा, संज्ञा के प्रकार इसमें दो प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाए या फिर किसी भी चीज वस्तुओं का नाम लिया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं और जौ, ये कैसे है, नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो पूरी जाति यानी पूरी जाति का जो जिसमें समावेश होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अनाज है तो अनाज में गेहूं है, जौ है, मक्का है, वो सब आता है, इसलिए उसे एक जाति कहते हैं, वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे रिमझिम है वो नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। लेकिन पाठ्य पुस्तक है वो जाति है, पाठ्य पुस्तक सभी की पाठ्य पुस्तकें होती है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, किसी भी चीज वस्तु प्राणी का नाम हम बोलते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और पूरी जाति के बारे में बोलते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दी गए संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला है लेह। लेह तो है वो क्या है, नाम है लेह, इसलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर धातु, तो धातु देखिए, धातु में कई सारे आते हैं, लोखंड आती है, दूसरी कई सभी सारू धातु, ऐसे सोना चांदी ये सब धातु है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद शेरवानी, तो शेरवानी आप देखते हैं, शेरवानी के वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कपड़े है वो जातिवाचक है, तो शेरवानी है वो व्यक्तिवाचक है। फिर भोजन, तो भोजन में सब आता है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद तांबा, तो तांबा है वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद खिचड़ी, तो खिचड़ी है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, शहर है वो तो कई सारे शहर होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। और वेशभूषा, वो भी जातिवाचक संज्ञा। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो यहाँ पे जो भी हमें धातु है, पहली जातिवाचक संज्ञा थी, तो आप उसमें लिख सकते हैं सोना चांदी लोहा, ठीक है। उसके बाद भोजन, तो भोजन में आप लिख सकते कोई भी भोजन के नाम है, नाश्ता, दोपहर का भोजन, उसके बाद संध्या भोजन, ये सब, या फिर आप कोई किसी भी जो मिठाई है उनके भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद वेशभूषा, तो वेशभूषा में भी आप जो वेशभूषा अलग अलग आती है, यानी कि जो नाटक है, उसके बाद हमारे जो वेशभूषा है जो हमारे गांव में, वो गांव गांव में सब क्या होता है कि वेशभूषा वाले आते हैं जो नाटक करते हैं, उसे हम वेशभूषा में समावेश करते हैं। उसके बाद शहर, तो जो जामनगर, भावनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, इन शहरों के नाम है। आगे बढ़ते हैं, तुम शेर में सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए थे, थाना सचमुच नहले पर दहला, तुम भी यही करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने हमने लड़की के बारे में देखा, तो लड़की बहुत होशियार थी हमने देखा। सो आपको ऐसा कुछ करना है, देखिए नीचे, तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिससे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चीट को एक डब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पटो और उसके कोई उपाय सुझाओ। किसी बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए है वही तुम्हारी क्लास कक्षा का बीरबल है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गेम खेलनी है कि एक आपको कोई भी ऐसी समस्या है वो आपको इसमें लिखनी है और वो एक डब्बे में डाल देनी है। उसके बाद जो टर्न बाय टर्न एक एक बच्चा आएगा और वो समस्या पड़ेगा, अगर उसको नहीं पता है तो बैठ जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा उस समस्या के बारे में बताएगा, जो ज़्यादा सॉल्यूशन देगा वो क्लास का बीरबल होगा। क्या होगा, बीरबल। आगे बढ़ते मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो उनको, वो ऐसा चाहते थे मंत्री जी कि उनका बेटा अभी, ये पहले तो उन्होंने बाल बेच के ये सब पैसा जमा कर दिया, लेकिन दूसरी बार वो क्या करता है वो देखना चाहता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। सिंह और जो,
पहली बार में मंत्री के बेटे बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सिंगों का क्या होगा, क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। सो फ्रेंड, जो भेड़ के बाल होते हैं, जो भेड़ों के बाल होते हैं और जो सिंग होते हैं उसके यूज़ अलग अलग होते हैं। जो भेड़ों जो बालों से भेड़ों के बालों से क्या होता है, तो जो जो रूह बनता है यानी कि गद्दे बनते हैं, कई ऐसे गर्म कपड़े बनते हैं, इन सब उसके बालों से बनते हैं। और सिंग से क्या होता है, सिंग से कई सारे हम ऐसे जो हथियार भी बना सकते हैं हाथ से चलने वाले, और दूसरा कि सिंग से ऐसे सजावट की चीज वस्तु भी बन सकती है घर पे सजावट की। बात को कहने के तरीके, नीचे कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, चैन से जिंदगी चल रही थी, तो हमें सिर्फ उसको क्या करना है, तरीका बदलना है। चैन से जिंदगी चल रही थी तो अच्छे से जिंदगी चल रही है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी कि वो कभी होशियार नहीं था, तो वो कभी मूर्ख नहीं था, आप ऐसे भी कह सकते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना है। मैं इसका हल निकाल देती हूँ तो मैं इसका हल निकाल देती हूँ, इसका सॉल्यूशन कर देती हूँ, तो वो उसका सॉल्यूशन कर देगी। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनके पास चालाकी ज़्यादा थी लेकिन क्या हुआ, धरी रह गई। तो आप ऐसे कहते हैं वो बहुत चालाक व्यक्ति थे। लोनपोकार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है, किस आधार पर किसी को चालाक और होशियार कह सकते हो, इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो फ्रेंड्स, होशियार और चालाक यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी समस्या में हल या उपाय या रास्ता निकाल सके उसे होशियार या चालाक कहते हैं, और वो कभी किसी मुसीबत यानी कठिनाई में डरता नहीं है और जो पॉजिटिव बन के रास्ता निकालता है वो होशियार है। और भोला और बुद्धू क्या है, तो वो कुछ अपने तरीके से सोच नहीं पाता है, उसे दूसरे की मदद लेनी पड़ती होती है बार बार, इसलिए वो कैसा होता है, बुद्धू और भोला होता है। लड़की को तुम समझदार कहेगी कहोगे या बुद्धिमानी, क्यों? लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कह सकते हैं, क्योंकि उसने जो पहले समझदार क्यों कह सकते हैं कि एक लड़का है वो सड़क पर बैठा है तो उसने उसकी मदद की, यानी वो समझदार भी है और बुद्धिमान है, क्योंकि उसने दोनों बार वो जौ की बोरी कैसे खरीदेंगे उसके बारे में उपाय भी बताए। नाम दो। कहानी में लोनपोकार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है, वह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की की कोई नाम दो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखो कहानी के बारे में देखा पढ़ा तो उसमें सिर्फ लोनपोकार का ही नाम था, किसी लड़का या लड़की का नाम नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर नीचे जो तिब्बत में कैसे नाम होते हैं या नाम लिया जाता है उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। नाइमा, डावा, मिकमार, लाखपा, नुखु, फू दुर्जे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगह के नाम नाम जी नहीं है, ये है तिब्बती बच्चे के कुछ नाम, नामा। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को, मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है, यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद, यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि जो तिब्बत है उसमें बच्चों के नाम ऐसे ही रखते हैं, ज़्यादातर नाइमा, डावा, मिकमार, लाखपा, नुकू, फुरदुरजे,
क्यों? क्योंकि वो जो जो जिस बच्चे का जन्म जिस वार पे हुआ होगा, रविवार के नाम, रविवार पर जन्म हुआ होगा, तो उस बच्चे का नाम होगा नाइमा, क्योंकि वो सूर्य की शक्ति जैसा होगा। सोमवार को जन्म होगा तो उसका नाम है डावा, यानी कि चांद जैसी शक्ति होगा, यानी जो वार है हमारे, जो डे है, उस हिसाब के वहाँ पे नाम होते हैं। आपको यहाँ पे दो नाम लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नाइमा और डावा चल सकता है। यहाँ पे दूसरे आप यहाँ पे नाम दिए गए उसमें भी इन दोनों के नाम रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की छत, किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है और पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो जमीन जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की खासियत यह है कि कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक जैसे ही वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्र के मन चाहे रंग भरकर भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्म मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल, पीली और कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीले हैं। ये झीले बनती है पहाड़ी की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर की झील का बहुत नाम है। वहीं यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया है और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही है, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनने रहते हैं। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लड़की के बने हुए बहुमंजिला घर है, लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर है। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर में अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर शहर माना जाता है। कपड़ा तथा खाने पीने के लिए यहाँ बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। सो फ्रेंड्स, तिब्बत के बारे में यहाँ पे सभी बातें बताई गई है कि वो दुनिया की छत है और यहाँ की भौगोल जो थे बर्फ वाली है, ठंडी है, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, राख की रस्सी। ओके फ्रेंड्स, मैं सब इसका सॉल्यूशन PDF में दे दूंगा। थैंक यू।